पतरस कहता है जो ये बात भूल चुका है कि खुदा ने उसे कैसे माफ किया है वो अंधा है क्योंकि वह अपने पूर्वकालीन शुद्धिकरण को तो भूल चुका है हो सकता है मेरे शब्दों से ज्यादा मेरे एक्शन आपको समझ में आए आज मैंने कुछ स्टार्टिंग में डिसाइड किया था आपको बताना और मुझे लगता है मेरे एक्शंस कुछ ज्यादा आपको टीच कर पाएंगे मेरे वर्ड्स से मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए और ये फैंस बन करिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए आप जानते हैं जब परमेश्वर मूसा से मिलता है तो परमेश्वर उससे कहता है मैं चाहता हूं तू मिस्र जा और मेरे जो लोग बंदुआई में हैं तूने उन्हें बाहर निकाल और उसके बाद परमेश्वर एक ऐसी बात कहता है जो मुझे लगता है हम सबों को सीखनी चाहिए खुदावन कहता है क्योंकि मैंने उनकी पुकार को सुना है मैंने उनकी चिल्लाहट पे ध्यान दिया है आप जानते हो परमेश्वर वहां पर ये वर्ड्स यूज करते कि मैंने उनकी पुकार को सुना है मैंने देखा है कि वो मुझे पुकार रहे हैं आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं पुकारना एक्चुअली होता क्या है यीशु ने पहले शब्द पुकार के कहे एली एली शबक्त हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और वचन कहता है इस पर्व के अंतिम दिन वो खड़ा हुआ और उसे पुकार के कहा यदि कोई प्यासा है तो आए और मुझ में से पी आप जानते हो बहुत बार बाइबल में परमेश्वर ने भी पुकारा लेकिन कई बार जब लोगों ने उसे पुकारा तो उसका रिएक्शन क्या था मैं सिर्फ आपको दो मिनट के लिए कुछ बताना चाहता हूं मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें एक दिन यरियो में आए युवा इन जेरिको और जैसे वो वहां से गुजर रहे थे एक अंधे को जिसको दिखाई नहीं देता था लेकिन उसको सुनाई बहुत अच्छे से देता था उसने देखा कि बहुत सारे चलने की आवाजें आ रही थी और जैसे उसने किसी से पूछा क्या हो रहा है उसे लगा कोई जुलूस जा रहा है जैसे लेकिन उसे कहा गया नासरत के यीशु जा रहे और जब उसने ये नाम सुना यीशु तब बाइबल बताती है अब देखिए इस तरह के एक्शन थे उसके उसने पहले कैसे कहा देखिए सामने समझे जीसस जा रहा है और यहां खड़ा है वो उसको कहने लगा इशु। इशु। तो जानते हो जब वो पुकार रहा था ना उसकी आवाज है ना जैसे कभी कभी आपने देखा जब बच्चा बेचारा रोता है हम उसके दर्द को तो नहीं समझ पाते हैं लेकिन कभी कभी हम इरिटेट होते हैं उसके रोने से और कई बार हम गुस्से में दूसरों को बोलते हैं चुप करा उसे लेकिन आपको पता है उसकी आवाज जो थी ना वो इतनी लाउड थी सोचो उसे पता चला कि नासरत के इशू जा रहे हैं और वो कहता है इशू इशू और जितो यू नो द बाइबल से उसे कहा गया चुप रहे इशू जा रहा था अब तो इसको चुप कराने के लिए मुझे लगता है वहां पर लिखा है और चलने का इशू अरे चुप इशू एंड यू नो आखिर आवाज पहुंची और जैसे ही यीशु ने यह बात सुनी कोई पुकार रहा है लिखा ईशु रुक गया और जानते ईशु ने क्या कहा बुलाओ उसे अब यही वो लोग हैं जो सिर्फ बोल रहे चुप कर शांत रहे अब यही वो लोग जानते हैं उसके पास एक मैसेज लेके जाते हैं और कहते हैं चल वो तुझे बुला रहा है वाह कितने लोग ये बात जानते हैं जब जीवन में आपकी सिचुएशंस आपको दबाएं तो चुप नहीं रहना है और चिल्लाना है और चिल्लाना है बहुत बार जीवन में ऐसे हालात आएंगे आप दुआ करेंगे आपको लगेगा चीजें ठीक नहीं हो रही है उल्टा और बिगड़ रही है ये तो। मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा है कि कई बार मैंने किसी चीज को लेके प्रभु को पुकारा और मैंने बड़ी आशा भरी निगाहों से उसे देखा लेकिन उसके बाद जब मैंने उन चीजों की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा वो चीजें और बिगड़ती जा रही हैं उसके जीवन में भी यही था बचपन से अंधा था बेचारा भिखारी भी था दो दर्द थे उसके पास एक तो बैगर ऊपर से ब्लाइंड भी और उसको कहते हैं इशू, ओ oh, लोगों ने उससे रुका वो रुका नहीं वो और चलाने लगा इशू, और लिखा है उसकी आवाज उस तक पहुंची और उसने उसको कहा बुला उसे वही हाथ जो उसके मुंह को बंद कर रहे थे अब उन्हीं हाथों ने उसके थाम को उसे यीशु तक पहुंचा दिया क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड वो अंधा था मैं स्टेशन पर वड़ा पाव खा रहा था अचानक एक आदमी मुझे टकरा गया मैं बैठा हुआ था मेरा वड़ा पाव भी छूट गया मैंने उसको देखा अंधा था बेचारा तब मैंने उसको पकड़ा उसको एक जगह पर बिठाया और मैंने कहा काका ये सेफ प्लेस है यहां रहो लेकिन मैंने देखा ये अंधा पहुंचा कैसे वहां पर उन्हीं लोगों ने पहुंचाया उन्हीं लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल ये रहा जीसस और जैसे ईशु के सामने आया यीशु उसको एक जेंटल क्वेश्चन पूछता है नम्र सवाल बोल मैं तेरे लिए क्या करूं प्रभु अंधा है हाँ लेकिन मुझे नहीं पता इसकी कोई और भी डिजायर हो तो क्या करना चाहता है प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं उसे हाथ रखा होगा और उसके हाथ रखने के बाद उसकी आंखें खोली एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग उसने अपने जीवन में जब पहली बार आंखें खोली तो उसने यीशु को देखा राइट wow! right? अगर आज किसकी आंखें खोले तो वो पास में अशोक और अनिल में चला जाएगा हंड्रेड परसेंट पुष्पा लगी है पुष्पा पे जाऊंगा मैं पुष्पा पिक्चर लगी है वहां चला जाऊंगा लेकिन बरतुमाइस का बेटा ऐसा नहीं था उसे पहली बार आंखें खोली और उसने यीशु को देखा यही कारण था जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको एक ही दिन पे नहीं दोनों को अलग अलग दिन पे बनाया पहले आदम बना और कुछ दिन के बाद हवा बनी क्योंकि प्रभु चाहता था यह सबसे पहले एक दूसरे को नहीं मुझे देख यू नो एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इसके बाद एक और चीज है उसके जीवन में ठीक होने के बाद आपको पता है एक बहुत ऑसम पैसेज वहां ये लिखा हुआ है मैं चाहता हूं आप ना खोलें मैं इसके बाद आपसे बाइबल खुलवाऊंगा मरकूज खोलिए और देखिए इसने आंखें पाने के बाद अपना पहला काम क्या किया लास्ट वर्ड टेन का यहां देखिए सब बाइबल मत खोलिए मैं आपको बाद में दिखाता हूं टेन फिफ्टी टू मार्क यहां देखिए क्या हुआ यहां पर एक अंधे ने आंखें पाने के बाद ईशु ने उससे कहा चला जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया है और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया यू नो द बिगेस्ट थिंग उसने उसका पीछा करना शुरू किया पेंटिकॉस के दिन कितने लोग बैठे थे वहां एक सौ चेले कितने थे ये 108 लोग कौन है आई बिलीव एक ये भी है एक ये भी है जो वहां बैठा हुआ है मैं बिलीव करता हूं पेंटिकॉस के दिन इसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया और मैं बिलीव करता हूं इससे भी मनादी की होगी इससे भी खड़े होकर प्रोफेसीज की होगी इससे भी वहां पर खड़े होके प्रचार किया होगा कि मैं वही हूं जिसको अंदों से ठीक किया गया था भाई आप क्या बोलना चाहते वन थिंग उसे पुकारना बंद करो जब सिचुएशंस दबाएं तो और पुकारो जब अकेला पन तंग करे इसे और पुकारो जब आप देखो कि परिवार आपके अगेंस्ट में है और पुकारो जब आप देखो कि चीजें बदतर होती जा रही है और पुकारो ट्रस्ट मी परमेश्वर को किसी भी टेबल को अपसाइड डाउन करने में सेकंड्स नहीं लगते किसी भी चीज को बदलने के लिए उसे समय नहीं लगता ये हमारे एक अलग मेथड आ गए हैं हमें लगता है आज से दुआएं करना चालू करेंगे तो छह आठ महीने के बाद होगा सरकारी काम नहीं है ऊपर की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है ट्रस्ट मी ये इंडिया में चलता है यहां पर सरकारी काम छह महीना था उधर नहीं चलता उधर देखा जाता है कि बस दुआएं किस हृदय से की जाती हैं जब वो देखी जाती हैं कि इसके मन में किसी के लिए कोई गर्श नहीं है कोई अक्षमा करने की भावना नहीं है वहां पर ठप्पा लग जाता है इसका काम कर दो हाँ लेकिन दिखता है कि बहुत लोगों को क्षमा नहीं किया है तो फाइल पेंडिंग पड़ी रहती है फाड़ते नहीं है स्वर्गदूत उसको रखते हैं वो उसको कहते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है रख इसको कुछ चीजें सेट करने दे फिर इसकी फाइल उठा के देखेंगे कि अब इसका काम करें कि नहीं जब वो देखता है ना बहुतों को माफ नहीं किया है तो फाड़ता नहीं है क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है फिर वो रख देता है साइड में कि जितना इसको लेट देखूंगा ना उतना भला है इसका फिर इसने ठीक है बोलो यीशु मसीह की कितने लोग बिलीव करते हैं कि आज से हम खुदा को और पुकारेंगे एक दिन मैं हीलिंग एवेंजनिस्ट को सुन रहा था एक ऐसा प्रचारक जो प्रचार करने के बाद अपने कलिसा के अंदर बीमारों को आगे बुलाता था और उनके लिए दुआएं करता था और इंस्टेंट हीलिंग होती थी एक दिन उनसे इंटरव्यू में पूछा गया ये कैसे होता है कभी कभी लोग वर्शिप में ठीक होते हैं कभी कभी लोग प्रीचिंग में ठीक होते हैं कभी कभी लास्ट कॉल पे हील होते हैं यह कैसा है तब तो उसने अपना मुंह खोला आखिर अधिकतर लोग तो यही कहते हैं मैं बहुत दुआएं करके आता हूं इसीलिए मैं फास्टिंग में आता हूँ इसीलिए जानते हो उसने क्या कहा उसने कहा एक दिन मैंने अपनी आत्मा में देखा कि हम सब मिलके उसकी आराधना कर रहे थे कोई कह रहा था यीशु महान है कोई कह रहा था यीशु अनुग्रहकारी है कोई कह रहा था यीशु दयालु है कोई उसका नाम ले रहा था कोई इसकी स्तुति कर रहा था कोई गीत गा रहा था और मैं अपनी आत्मा में देख रहा था जैसे जैसे शब्द निकल रहे थे हमारे चर्च के ऊपर एक बादल बन रहा था और लास्ट में जब मैंने कहा यीशु के नाम में सब ठीक हो तो बादल उनके ऊपर गिरा और वो ठीक हो गए ये इंटरव्यू मैंने देखा मैंने कहा प्रभु ऐसा भी होता है प्रभु ने कहा ऐसा ही होता है अब आप देखिए हम सब यहां पर बैठे थे और मैं आज देख रहा था आज की आराधना में सब खुदा से जुड़े हुए थे क्या कहती है बाइबल पॉलुस और सिलास गा रहे थे सुनने वाले आजाद हो गए <laughs> आप जानते हैं? जब आप प्रभु की आराधना करते हो जब आप उसकी स्तुति करते हो आप बिलीव करोगे कई बार आपके साथ में जो खड़ा है उसका फायदा हो जाता है क्योंकि वो बादल क्या कहती है जब ईशु मुर्दू से जी उठा तब वो उठाई उठा, उठा 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 और जैसे वो आसमान में पहुंचा लिखा है एक बादल ने उसे छुपा लिया इसराइलियों के आगे बादल चलता था स कहता है मुझे बादल में से आवाज आई और कहा कहा गया इसकी सुनो यू you नो know, बादल क्या है द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की बिलीव आप कीजिए आपका हर शब्द जो आप परमेश्वर को कहते हो वो आपके ही छुटकारे के लिए आता है आप समझे डोंट स्टॉप इसको बिल्कुल बंद न करें हमेशा उसके नाम को पुकारना सीखे आमीन, आमीन। चलिए हम वचन में आएंगे आज का वचन है यस चलिए हम स्टार्ट करेंगे मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड बहुत ही ऑसम है या इट्स टफ लेकिन जो वर्ड चैलेंज ना करे वो प्रीचिंग प्रीचिंग क्या होगी राइट आइए मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार और उसका तेरा अध्याय हम सब खोलेंगे द गॉस्पल ऑफ ल्यूक लूका रचित सुसमाचार और उसका तेरवा अध्याय चैप्टर थर्टीन मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको जैसे बैठना है आप बैठ सकते हो लेकिन बस साइलेंट रहो ये हमने आपके लिए ही बनाया है थर्टीन ओके okay, सबने खोल दिया चलिए आइए हम एक काम करेंगे सबसे पहले यहां देखिए और अब अपने राइट अपने बाजू वाले को देखिए वो उधर देख रहा है आप इसको देख रहे हो okay दो लोगों को विश कीजिए कि आज कुछ प्रभु महान करने वाले हैं दो लोगों को विश करिए दो लोगों को बोलिए आज, आज परमेश्वर, परमेश्वर मेरे जीवन में, में कुछ अद्भुत करने वाला है यस आमेन भाई लगाइए तेरा अध्याय का अठारह वचन 18 वचन यहां लिखा है फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है क्वेश्चन मार्क सोचो चलो कुछ सेकंड सोचो और मैं उसकी उपमा किससे तू मैं किस बात से तो समझाऊं आगे उन्नीस राई के दाने के समान है जिस किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाशीय पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया आइए अपने को करना चाहता हूं। सबसे पहले आप में से कितने लोग जानते हैं आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य में क्या डिफरेंस है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ हेवन सब यही है ओके थैंक यू मैं उम्मीद करता हूं कि आप 45 फाइव मिनट्स या 40 मिनट्स uh, मुझे झेलेंगे ओके थैंक यू अगर ये भी बोल दिया तो चलेगा यहां पर लिखा गया है मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दू सब यहां देखिए याद रखिए परमेश्वर का राज्य अर्थ पे है स्वर्ग का राज्य अर्थ पे नहीं है वो वहां है एक आदमी इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग के राज्य में नहीं आता वो परमेश्वर के राज्य में आता है और परमेश्वर के राज्य में आने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग के राज्य में जा सकता है जब बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य बोलिए राज्य राज। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं मनुष्य क्यों बना वाई गॉड क्रिएट मैन एंड वुमेन उसका एक कारण था कि परमेश्वर हम में राज्य करना चाहता था लेकिन यह पॉसिबल नहीं हो पाया आदम ने उसे निकाल दिया डिस करके उसका आज्ञा न मान के उसे निकाल दिया गया आप जानते हो मनुष्य परमेश्वर का घर है आप में से कितने लोगों ने यहीं पर रुकी है। एक वर्ड लगाइए जल्दी से आ, मैं आपको बताना चाहता हूं आ, कोई बाइबल मत खोलिए मैं चाहता हूं आप इसी वर्ड पे स्टिक रहिए। द गॉस्पल ऑफ जॉन युना एक अध्याय खोलिए फास्ट और यहां पर लगाइए एक का ग्यारह वचन देखिए सर प्रोजेक्टर पे देखिए मैं चाहता हूं आप ये वर्ड अपनी बाइबल में नहीं यहां पढ़िए लिसन जीसस किस कंट्री में आया जीसस किस कंट्री में आया था लेकिन यहां इसराइल का नाम क्यों नहीं है या ऐसा लिखना चाहिए ना वह इज़राइल में आया परंतु उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया तब बाइबल से वो अपने घर में आया मनुष्य उसका घर है वह अपने घर आया उसका घर कौन है हम लेकिन उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया इसीलिए प्रकाशित वाक्य सात कलिसाओं को जो बताता है आखिरी कलीसिया को जानते हो प्रभु क्या कहता है मैं हृदय के द्वार पे खटखटा रहा हूं अंतिम संदेश था उसका उस कलीसिया को जिसमें वो बता रहा है कि मैं फिर से आना चाहता हूं तुम्हारे अंदर लेकिन मनुष्यों ने उसे अस्वीकार किया आप जानते हो परमेश्वर का राज्य इन दिनों में मनुष्य में आना चाहिए इसका मतलब जानते क्या है किंगडम किंगडम आज ये वर्ड यूज नहीं होता आज हम न्यू वर्ड्स सुनते हैं गवर्नमेंट उन दिनों में गवर्नमेंट नहीं होती थी सरकारें नहीं होती थी हर कंट्री में राजा होता था अपना जैसे आज भी आप देखिए कुछ कंट्रीज में किंग्स हैं किंगडम उसका राजा इट मींस जैसे राजा कुछ कहता है सबको फॉलो करना पड़ता है उसका राज्य आने का मतलब वो हमारे अंदर रहे और हमारे अंदर उसकी चले इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो ए हमारे पिता तेरा राजा किंगडम कम और यीशु समझा रहा है यहां पर वापस आइए थीम वर्ड में आइए भाई परमेश्वर का राज्य ये है तो स्वर्ग का राज्य क्या है स्वर्ग का राज्य मतलब मरने के बाद आपने देखा यीशु ने दस कुमारियों के बारे में परमेश्वर का राज्य नहीं कहा स्वर्ग का, का राज्य उन दस कुमारियों के समान है मरने के बाद वाला जीवन वहां पर ही नेवर यूज द किंगडम ऑफ गॉड ही यूज द किंगडम ऑफ हेवन स्वर्ग का राज्य उन दिनों में लोग मरने के बाद जब वहां जाएंगे उसे कहते हैं स्वर्ग का राज्य कितने को समझ में आ रहा है डिफिकल्ट है थोड़ा मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कोई है यहां पर तो एक काम करिए न समझ में आए ना मैं मीटिंग के बाद यहां रुकने वाला हूं कुछ देर वही पंद्रह बीस मिनट के लिए आप पूछ सकते हैं अगर आपको न समझ में आए तो अब ईशु यहां कह रहा है वह राई के दाने के समान है आइए मेरी बहनों ईशु किचन में घुस गए <laughs> ये सारी चीजें किचन में पड़ी रहती है ना कितना प्यार करता है वो बहनों से है ना वो एक अच्छा पिता है आमीन वह राई के एक दाने के समान है जिस किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर अब ध्यान दीजिए मैं ये बिलीव करता हूं फेथ ऐसा ही होता है किसी ने आपको बताया होगा सिस्टर क्या आप इस बात को जानते हैं ब्रदर कि एक गुनेगार हैं ओके फिर और आपको पता है हमें मुक्ति की जरूरत है हमें मोक्ष हमें नजात हमें उद्धार की जरूरत है यस आप जानते हो हर जगह पे ऐसा कहा जाता है जो तुम करोगे वो तुम बरोगे पर मैं आपको बताऊं जीसस ऐसे नहीं है अच्छा जीसस में क्या है बाइबल बताती है हमने जो गुनाह किए थे उसने उसका भुगतान किया और यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम बचाए जाएंगे और ये सुसमाचार सुनके हो सकता है आप किसी कलीसिया में गए और अचानक आपने खुदा के लिए कुछ सुना के लिए कुछ सुना और जैसे आप यहां पर आए आपने एक उम्मीद जागी आपने एक विश्वास उठा और आप जानते हैं स्टार्टिंग के डेज़ में हम सब फेथ में चलते इवन मैंने देखा है जब अधिक ज्ञान आता है ना तो फेत ढीला हो जाता है पहले, पहले के दिनों में आपने देखा था आप में फेत कैसा था कैंसर वाला सामने आ जाए आप उसको बोलते थे जा हो जाएगा तू वो सोचता था कभी कभी कि ये पागल है ये ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगा लेकिन आप बोलते थे लेकिन इन दिनों में जब आप कैंसर के लिए प्रेयर करते हो तो आपके मन में ख्याल आते हैं मेरा खुद का प्रेयर लाइफ ही डाउन है मैं इसके लिए क्या प्रेयर करूं आपने देखा जहां ज्यादा विजडम ज्यादा ज्ञान है वहां पर विश्वास कम काम करता है राइट right? कितनों के बाद जानते हैं जब हम पहले के दिनों में हम प्रभु में आते हैं तो हम किस चीज में चलते हैं फेथ में और उसमें आपको सदैव चलते रहना है सुनिए एक फेथ है फेथ कैसा होना चाहिए आपका विश्वास कैसा होना चाहिए फेथ में भी डिफरेंट चीजें आ गई हैं आजकल जहां तक मैं जानता हूं चलिए आप में से कितनों के बाद जानते हैं जीसस ने इस अर्थ पे ह्यूमन की किस चीज को बहुत प्रेस किया था कौन सी वो चीजें थी जिनको देखकर ईशु पब्लिकली उनकी बढ़ाई करते थे यार असम ये आदमी विश्वास।, विश्वास के बारे में एक आदमी ईशु को कहता है मेरे घर आ और जब ईशु उसके घर में आता है बाहर के खड़ा होकर बोलता है मता क्यों मैं योग्य नहीं हूं मैं जानता हूं मैं कितना मैं करप्ट हूं आप एक काम करिए यहां से कह दीजिए मैं घर जाऊंगा ना मैं देखूंगा वो ठीक हो जाएगा जब ईशु ने इस आदमी के बारे में सुना इसकी बातों के बारे में भी नहीं देखा है 100 मैंने इस के अंदर भी विश्वास जो था जो है जो मैं तुमने भी नहीं देख पाता हूं और यीशु उसके बाद कहता है जा तेरा सेवक चंगा हो गया जा और बाइबल बताती है वो ठीक हो गया अब मैं क्या समझाना चाहता हूं वो ये है आपका जो ईमान है किस पर है आजकल एक बहन ने मेरे सामने एक बच्चे को लेकर आई और मैंने उसको कहा कि क्या हुआ तो उन्होंने बोला उसको कम सुनाई देता है उसको इतनी बड़ी मशीन लगी हुई थी यहीं पर तो मैंने उनको कहा कि Uh, मैं एक चीज जानता हूँ बहन अगर आप कंटिन्यू यहां पर आएंगे ना परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप ठीक हो जाएंगे नेक्स्ट वीक फिर से आई वो उसी बच्चे को लेकर तो मैंने उसको कहा अब कैसा है तो उन्होंने बोला अभी भी ऐसा ही है मैंने मशीन निकाली थी उस दिन और मैंने दूर से पुकारा नहीं सुन रहा था ओके okay. फिर तीसरा हफ्ता जब वो आई तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेट थी और उन्होंने आके मुझे कहा आ, ब्रदर आ, आपके ऊपर भी कोई है क्या कोई कोई ताकतवर पास्टर तो मैंने कहा हां एक है तो मैंने तो बोला कौन है मैंने बोला उसका नाम यीशु है आप जानते हैं ना जीसस पास्टर कितनों के बाद कहाँ लिखा है यस हिब्रू इब्रानियों में क्या लिखा है प्रेरित और महायाचक यीशु पर ध्यान दो एपोस्टल एंड प्रीस्ट मैंने कहा एक है तो वो वही रहता है हमारे पीछे वही दुआ करता है नहीं एक्चुअली ब्रदर मैं सोच रही हूं मैं इसे कहीं और ले जाऊं हाथ रखवाऊं ये करूँ वो करूं मैंने कहा बहन आप बिल्कुल जा सकते हो लेकिन एक बात याद रखना वो भी उसी इशू से प्रार्थना करेगा मैं भी उसी इशू से प्रार्थना करूंगा मैंने कुछ लोगों को जानते क्या देखा खुदा से ज्यादा पर्सनैलिटीज के पीछे ये अजीब फेत नहीं है इन दिनों में और मुझे पता चला कि वो ऐसे लोगों के सामने दुआ करवाने के लिए गए जिन्होंने उनसे प्रार्थना के पैसे ली वो वापस आई मैं जैसे वो वापस आई तो फिर एक हफ्ता वो फिर से आई तो मैंने कहा बहन होकर आए आप बोला हाँ मैं होकर आई मैंने कहा अभी आपका बच्चा कैसा है वैसा ही है मैंने कहा बहन मुझे बड़ा दुख है कि आपका बच्चा अब आप तक चंगा नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा आप गलत आप गलत बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो आपको लगता है ये पास्टर नो इशू मैं मानता हूं हम, हमारे ऊपर हर एक के ऊपर सेम नहीं रहती है जिसने ज्यादा खुदा के करीब है लेकिन आपको लगता है कि इन दिनों में लोग कलाम से ज्यादा लोगों पे बिलीव करने लग गए मैंने उस बहन से कहा बहन मुझे बड़ा दुख है कि आपका बच्चा अभी तक चंगा नहीं हुआ है मैं खुदा से विनती करूंगा क्योंकि मैं यही कर सकता हूं आपके लिए कि वो आपका बेटा ठीक हो लेकिन आपको नहीं लगता कि इन दिनों में आपका फेथ वो जो पाथ है वहां से हट गया है हमारे कलिस्या में एक बार एक पास्टर आए थे तो एक बहन को टीबी है हमारे चर्च में प्रभु के अनुग्रह से वो चंगी हो चुकी है कभी कभी आती है वो बॉम्बे के कलिस्या में तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो एक पास्टर आए थे वो इस तरफ खड़े थे मैं यहां पर खड़ा हूं वो हमारे चर्च में एक साल से आती है जी से उसके पास गई तो उनको बोला मुझे टीबी है मैं वहीं खड़ा था तो मैंने ऐसे देखा मैंने कहा एक साल से आ रही है मुझे नहीं पता है मुझे टीबी है तो मैंने उनको बात में बोला मैंने कहा आपको टीबी थी बोला हाँ टीबी है मैंने बोला कहाँ बोला बैक में टीबी है होती है कुछ लोगों को तो मैंने बोला टीबी थी आपने बताया नहीं तो मुझे बोलती है आप ठीक कर सकते हो <laughs> यू नो कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर मतलब लोकल बीमारियां ठीक करेगा सर्दी जुकाम खांसी बड़ा बाहर से पास्टर आएगा वो कैंसर ठीक करेगा <laughs> <laughs> क्या हो गया? आपको पता है मैं कौन हूं मैं सर्दी जुकाम खांसी वाला हूं आजकल सर्दी है खांसी है जुकाम है ओ कोविड है रुको दो महीने के बाद वो आएंगे वो हाथ रखेंगे बिग पास्टर पे हाथ रखेंगे पॉलुस कहता है मेरा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर है आपका किस पर है गौरव उस दिन मुझे बता रहे थे कॉल आते हैं कभी कभी प्रेटर पे सूरज प्रेमानी और गौरव उनको बोलते हैं नहीं बहन वो बिजी हैं मैं बात कर रहा हूं गौरव सजदेवा आप बताइए क्या दुआ करें हैं बहन वो बिजी हैं आप बताएं हम क्या प्रार्थना करें पास्टर से ही करवानी है बहन मैं वो बिजी रहते नहीं मुझे करवानी है तो उनसे ही करवानी है मैं स्वर्गदूत हूं <laughs> अरे परमेश्वर हरिक की सुनता है आपको क्या लगता है ये अगर गुड़िया ये बच्चे दुआ करेंगे मैं आज भी जानता हूं एक दिन पास्टर पास ने लोगों का ब्रह्म निकालने के लिए एक मस्त काम किया जब वो लोगों पे हाथ रखते हैं ना लोग गिर जाते हैं तो लोग उनको सोचते हैं कि ये पावरफुल है एक दिन मीटिंग पूरी हुई उन्होंने छह साल की बच्ची को सामने बुलाया और उन्होंने कहा ये कितने साल की है उन्होंने बोला छह साल की उन्होंने बोला देखो ये क्या करती है सामने पांच हजार लोग खड़े थे उनको खड़े होकर बोलता है इनको बोल प्रभु ने स्पर्श करे प्रभु ने स्पर्श करे और बच्ची ने ऐसा कहा इन जीसस ने पांच हजार लोग जमीन पर गिर गए तब उसने एक बात खड़े होकर कही देर इज अ पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड प्रभु के नाम में ताकत है मैं मच्छर को भी ठीक नहीं कर सकता उन्होंने ऐसा बोला अरे हम एक बाल को सफेद काला नहीं कर सकते विदाउट मेहंदी आप देखिए आपने करके दिखाओ विदाउट मेहंदी आपके सफेद बाल को काला करके दिखाओ आपको क्या लगता है मुझे सफेद बाल नहीं है बहुत हैं मैं जब बाल कटवाने जाता हूं वो मुझे कहते हैं कलर कर दू मैंने बोला पैसा नहीं देगा मैं एक रुपया टच भी किया तो रहने दे वो मेरी खेती है हाँ बोलो फेथ, फेथ। हमारा विश्वास किन बातों पर है लोगों पर बोलिए 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 कितने लोगों ने जेनेसिस वन वन पढ़ा है जिनको आता है बोलिए उत्पत्ति एक एक आदि में परमेश्वर बस इतना बोलो बोलो आदि में परमेश्वर शुरुआत में कौन है खुदा है कितने लोगों ने उत्पत्ति के आखिरी अध्याय का आखिरी वचन पढ़ा है जोसफ कॉफिन यू सब कब्र में था बता क्या समझाना चाहते हो परमेश्वर अनंतकालीन है मनुष्य एक दिन मरेगा परमेश्वर के वचन पर बिलीव करें चलिए मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे चलो अब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे अब परमेश्वर नहीं चाहता सुनिए जो लोग गलत बातों पे ट्रस्ट करते हैं आपको लगता है ये पास्टर ठीक कर सकता है वो सिस्टर ठीक कर सकती है इन बातों से निकलिए और सही बातों पे ट्रस्ट कीजिए उसके वचन पर और जो ऑलरेडी करते हैं अब आइए हम विश्वास से विश्वास योग्यता की ओर बढ़े आप में से कितने लोगों ने आइए हम एक और वचन खोलेंगे आ, मैं चाहता हूं प्लीज ब्रदर आप सब मेरे साथ खोलिए मती का पच्चीसवा अध्याय आज एक और वर्ड खोलेंगे हम ताकि हम चीजों को ठीक से समझ पाए पच्चीस का बीस यहां देखिए सब जिनको बाइबल नहीं है वो प्रोजेक्टर की तरफ देख सकते हैं सबसे पहले हमें विश्वास में बढ़ना है और जो बढ़ रहे हैं अब देखिए यहां पर क्या लिखा है जिसको पांच तोड़े मिले थे उन्नीस खोलो भाई ट्वेंटी फाइव नाइनटीन नहीं ट्वेंटी वन ओके देखिए इक्कीस में क्या लिखा है उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो आइए सब यहां देखिए यह वचन आया है मत्ती के पच्चीसवें अध्याय में क्यों बावीस में क्यों नहीं सत्ताईस में क्यों नहीं पच्चीस में क्यों आया इसका एक बहुत बड़ा कारण है चौबीस अध्याय में अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में बातें की और ठीक एक अध्याय के बाद प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा है कि अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान दिया जाएगा वो है मनुष्य की विश्वास योग्यता पर एक होता है विश्वास दूसरा होता है विश्वास योग्यता विश्वास आपके शब्दों में दिखता है विश्वास योग्यता आपके चरित्र में दिखाई देती है 24 अध्याय में जब चेलों ने उससे पूछा आपका दोबारा आना कब होगा तब उसने ये बातें कही सुनामी आएगी कोविड 19 आएगा ये होगा वो होगा और लास्ट में जब उसे सारी बातें कह दी उसके बाद उसने एक दृष्टांत कहा और उसमें बताया उसने कि दस कुरिया क्या है वो लोग कौन है जो राइट साइड खड़े थे जिसको शीप कहा गया और उसने एक और दृष्टांत यहां पर कहा कि कौन वो विश्वास से दास है। से कितने कोई नहीं बच सकता एक दिन आप और मैं उसके सामने खड़े रहेंगे उस दिन यह नहीं देखा जाएगा कितने गीत गाए गए कितनी आत्माएं बचाई कितने लोगों को खाना खिलाया कितनों को हमने फाइनेंशियली हेल्प की ये सब नहीं देखा जाएगा उस दिन खुदा आप में एक ही चीज जांचेगा कि आप कितने विश्वास योग्य थे विश्वास योग्यता आज बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती विश्वास बहुत है बहुत फेत है लोगों में पर विश्वास योग्यता नहीं देखी जाती जानते हो विश्वास योग्यता क्या होती है थोड़ा मैं आज सबको बताना चाहता हूं ध्यान दीजिए अगर आप सच में यह बात चाहते हैं कि खुदा उस दिन आपको यह वर्ड कहे धन्य ब्लेसेड हे अच्छे और विश्वास योग्य दास अगर आप चाहते हो खुदा वन आपको यह बात कहे तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके जीवन में आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए और हां मैं आपको फिर से कहता हूं यह वचन सुनने के बाद कोई भी अपनी ताकत से इस पर चलने की कोशिश ना करे बहुत गहरा गिरोगे यू नो जब पहली बार पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया मरियम के टाइम पे आप जानते हो पहला काम बाइबल में ऐसा दिखाया गया कि वो चर्च बनाने नहीं आया वो एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए आया अमेजिंग ना लेटर आगे चल के आप पढ़ो पवित्र आत्मा चर्च बनाने के लिए आया पर आप इससे कितने के बात जानते हैं जब वो पहली बार जब जिब्राइल उसके सामने खड़ा होकर कहता है आनंद और जय तेरी हो मैरी परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है तुझसे एक बेटा पैदा होगा उसका नाम ईशू रखना उसकी सेवकाई होगी वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा परमेश्वर उसे सिंहासन देगा वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा उसके राज्य का अंत ना होगा सारी बातें आप आपसे कितने लोग इस बात को देख पा रहे हैं पवित्र आत्मा इस अर्थ पे फर्स्ट टाइम एक एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए आया आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि एक वुमेन जिसकी जस्ट इंगेजमेंट हुई है वो प्रेग्नेंट हो सके ये कभी नहीं हो सकता आप जानते हो पवित्र आत्मा इस अर्थ पे जब पहली बार रिवील हुआ तो उसने अपनी पहचान क्या दी कि मैं उन कामों को संभव कर सकता हूं जो असंभव है जो हो नहीं सकते मैं ये बात क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं आज प्रीच करूंगा ना, उस पर चलना कठिन नहीं नामुमकिन है अगर आपको खुदा हेल्प ना करे तो ताकि आप आज के वर्ड को सुनने के बाद पूरी तरह से उस वचन पर और हां अगर आप इस पर न चल पाए अगर आज का वचन सुनने के बाद अगर आप इस पर न चल पाए तो निराश मत होना खुदा से मांगना अभी तक मैं नहीं चल पा रहा हूं मेरी हेल्प कर हेल्प कर हेल्प कर क्योंकि मैं जानता हूं यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग फॉल होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कई बार उनकी आंखें चर्च में आके खुलती है अरे रे ये तो मैं करता हूं लिसन दे वॉज द किंग इन इजराइल कॉल शाह बाइबल बताती है एक राजा था उसका नाम था शाह बाइबल बताती है वो अपनी बुलाहट में फेल हुआ था उसका अभिषेक चला गया और वहां पर एक डीमन आके उसके माइंड को कंट्रोल और इरिटेट करता था आप जानते होंगे शाउल को शाउल के ऊपर एक डीमन आके उसको कंट्रोल और इरिटेट करता था और कई बार आप देखो वो अपने लाइफ में म्यूजिशंस को ढूंढता था दाऊद को भी उसने ही बुलाया था जब जब दाऊद आराधना करता था आपको पता है डेविल वहां से भागता था आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब आप गिटार जब आप तबला जब आप ड्रम बजाते हैं जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं यू you नो know, एक फोकस होता है नाइस बजाऊं ताकि लोगों को मजा आए इस आराधना में कभी अभिषेक नहीं आता लेकिन जब आप अपनी हर वीणा हर सारंगी हर चीज उसको देख के बजाते हो उस म्यूजिक में अभिषेक होता है यू you नो know? इसलिए लिखा गया है एक दिन एलिशा प्रभु को ढूंढ रहा था परंतु उसका हाथ उसे नहीं मिल रहा था तब अचानक एक वीणा बजाने वाले को बुलाया गया और जैसे उसने बजाना स्टार्ट किया द बाइबल से प्रभु का हाथ एलिशा पे आया आप जानते हो इसके बाद नहीं ओके गुड गर्ल लिसन जब बाइबल बताती है शाहुल अपनी बुलाहट में फेल हुआ एक डीमन आके उसे इरिटेट करता था उसे परेशान करता था आपने देखा है आज भी जिन लोगों ने पॉन वीडियोस देखे हैं अपने ओल्डन डेज में आज भी आपने देखा है डीमंस कैसे आपको सपनों में मेंटली टॉर्चर करते सेम थिंग एक आदमी ने किसी आदमी को क्षमा नहीं किया और राजा को यह बात बताई गई जानते हो स्टोरी में क्या लिखा है राजा ने उसके लिए क्या कहा इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां पर उसको मेंटली टॉर्चर किया जाए इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा आप गलत काम करके खुदा के सामने जाओगे कहोगे मुझे माफ कर वो माफ कर देगा, फिर भी जो आप बोगे, वो आपको काटना पड़ेगा मैंने कई लास्ट संडे में एक ब्रदर से मिला बहुत ही अच्छे भाई हैं, उन्होंने कहा ब्रदर कंप्लीटली यहां आ जाओ इधर इधर उधर फास्ट 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 गुड गर्ल कम 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 यस यहां बैठ जाओ थैंक यू इन्हें चिल्लाना नहीं है बच्चे ही है हमारे लिसन द बाइबल सेस वचन में क्या लिखा है एक लड़का मुझे उस दिन मिला वो मुझे कहता है ब्रदर मैं एक डेढ़ साल से आपके पास आता हूं मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया ये देखना लेकिन ब्रदर मुझे मेमोरीज <laughs> नहीं छोड़ रही है हर रात में जब सोता हूं जिनके साथ भी मैंने बुरा किया था वो सब लोग आके मेरे माइंड में लिसन शैतान कभी भी आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आएगा जब तक आप उसके लाइफ में दरवाजा ना खोलो क्या हम लोग क्या ऐसे वैसे हैं बस कभी भी आएगा हमको परेशान करेगा कि आप यहीं पर रुकिए मैं आज आज आपको कुछ और भी वचन दिखाना चाहता हूं देखिए कैसे वो आपके लाइफ में आता है और काम करता है ब्रदर एक वर्ड लगाइए मेरी आपसे विनती है कोई भी इसको न खोले मैं आपको बाद में रेफरेंस भी दूंगा मैं चाहता हूं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो बदर इफिसियो लगाइए चार अध्याय फास्ट लगाइएगा और आप लगाए सिर्फ सत्ताइसवा वचन यहां देखिए सब यहां क्या लिखा है मुझे लगता है ये वचन बहुतों ने पढ़े हैं लेकिन आज हाँ सही समय है इन्हें बताने का एफिसियो चार सत्ताईस आपको पता है आप कैसे चांस देते हो उसे चलो बताओ आप शैतान को चांस कैसे देते हो याद रखिए आपने खुदा के वचन के अगेंस्ट में काम किया आपने उसको बुलाया है एक बहन आती थी हमारे कलीसिया में बहुत साल पहले उसके अंदर से हम दुआ करके दुष्ट आत्माएं निकालते थे बहुत सारे भाई गवाह हैं इस बात के तीन महीने के बाद हम उसे फिर से फंसा हुआ देखते थे मैं प्रभु को कहता था तीन महीने अच्छी थी अब क्या हुआ एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा इसके घर में किसी को भेज भाई लोग गए और मैंने पहली बार अपने भाइयों को जानते क्या कहा प्लीज ऑब्जर्व करना कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना तब उन्होंने उनके घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी जिनकी पूजा पाठ चल रही थी और जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या दिस इज अ रीजन ये कारण है ये रीजन है ये 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 कारण है हमने उनको कुछ भी नहीं कहा हम चले आए फिर जब वो चर्च में आए तो हमने उनको कुछ चीजें समझाई कि बहन छुटकारा पाना है तो किसी को अवसर ना दो आपको पता है अवसर शैतान हमेशा ताक में रहता है वो हमेशा चाहता है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स करने वाला मुंह हो सोचिए आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो आजो आप अपने घर में पति पत्नी दोनों विश्वासी हो और कभी कभी याद है पति पत्नी को अलग अलग रेवुलेशन होते डिफरेंट डिफरेंट रेवलेशन वो कहता है आके आज मैंने ये सीखा ऐसा होता ही नहीं है हमारे पाश्चर्य बोलते हैं ऐसा तुझे तो तेरा पाशरी क्यों सही लगता है हाँ, क्योंकि वो सही है मतलब मेरा झूठा है वो तू देख उसके बाद वो चिल्लाता है वो चिल्लाता है और लास्ट में ज्ञान की बात पे लड़के बात नहीं करते आपने बुला लिया उसको अब वो आपके मन में ये डालेगा ये तो है ही चरया ये तो है ही पागल गलत टीचिंग में चलता है और वो उसके मन में ये भी गलत है ये भी गलत है और अब आपके अंदर अरे आर्ग्यूमेंट्स किया है क्यों मुझे एक आदमी ने कहा आदम को परमेश्वर ने कहा था हवा को कभी छूना नहीं मैंने कहा अच्छा कहां लिखा है बोला ये रेवल्यूशन है मैंने कहा मैंने सपना देखा तू पिट रहा है बोला ये क्या है मैंने कहा ये भी रेवल्यूशन है <laughs> तू तो बहुत पिटने वाला है ये मैंने प्रकाशन देखा है तेरे लिए बोला आप क्या बोलना चाहते हो मैंने बोला ब्रदर परमेश्वर कहता है फूलो फलो और तू कहता है छु मत बच्चा कैसा पैदा होता है ब्रदर जब पति और पत्नी एक साथ होते हैं तब होता है ना क्या ऐसे ही हाथ मिलाने से होता है बोला नहीं मैंने कहा ब्रदर प्लीज चेक यूर बाइबल स्टडी और विनती करता हूं पब्लिकली कुछ मत बोलना अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा है ना अगर लीडर ब्लाइंड है ना तो घर पे बैठे तो बहुत अच्छा है बड़ा फायदा है पर अंधा है और लोगों को लीड भी कर रहा है गए है ना बाइबल से खुदावन का कलाम कहता है परमेश्वर ने जब देखा कि शाउल उसके विरुद्ध चल रहा है उसकी नबी की बात नहीं मानता परमेश्वर ने उसके ऊपर से निकाल दिया पवित्र आत्मा अनुटिंग खींच ली और उसकी जगह पे डीमन ब्रदर क्या ये नए नियम में भी होता है क्या ऐसा हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हमें हम डीमन जो आदमी डिमोनोलॉजी में दुष्ट आत्माओं में फंसा हुआ है ये साइन है उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला आपको लगता है ये आपके जीवन का हिस्सा एक तरफ जीसस, एक तरफ डीमन एक घर में रहेंगे पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं सकता आप जानते हो ये काम पुराने नियम में क्यों हो पाया क्यों उस बंदे को ऊपर डीमन रखा गया सुनिए मैं हमेशा कहता हूं मैं फिर से कहता हूं खुदा ने बाइबल के अंदर कुछ काम ऐसे होने दिए जिससे आप सीखें कैसा नहीं होना चाहिए आपके जीवन में एक भाई ने मुझे कहा तुम्हारी बाइबल करप्ट है मैंने कहा क्यों भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो बोलता है लूत ने क्या किया था क्या किया था वो अपनी बेटियों के साथ उसने गलत किया मैंने कहा हां लिखा है ये ठीक है मैंने उससे कहा अब मुझे ये बता ये रिकॉर्डेड है कि बाइबल बोलती है तुम भी करो मुंह बंद हो गया उसका न्यूज़पेपर में कितनी खबरें आती हैं रोज यहां पर रेप हुआ वहां पर बैंग लूट ली गई वहां पर यह हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हमें यह सिखाया जा रहा है कि यह करो कि वो हमें खबर दे रहे अरे जब बाइबल बताती है कि यह काम हुआ था बाइबल आपको नहीं कहती है यह करो बाइबल बताती है उल्टा भागो उन बातों से क्योंकि इन्होंने किए थे तुम मत करो लोग बाइबल को करप्ट कहते जो बाइबल को करप्ट कहता है तुम करप्टो में बोलता हूं हमारा परमेश्वर पवित्र है वो था वो है वो रहेगा याद रखिए ही लव राइसनेस तुम पुराने नियम में ये पढ़ते हो नए नियम में जानते क्या लिखा है अगर हम किसी बहन को देखें और मन में सोचें ये खुदा को पसंद नहीं है नहीं लेकिन हमें ये नहीं दिखता ब्रदर हमें वो दिखता है सुलेमान ने हजार अरे सुलेमान ने रखी तो क्या खुदा ने हमें भी कहा हजार रखने के लिए बोलिए हमेशा याद रखना जब भी बाइबल के अंदर आपको ऐसे पैसेजेस पढ़ने के लिए मिले तो याद रखना वो रिकॉर्डेड हैं खुदा उनको बढ़ावा नहीं दे रहा परमेश्वर हमें अलर्ट कह रहा है पॉल कहता है सारी बातें इसलिए लिखी गई ताकि हम अंतिम समय में रहने वाले लोग चौकस रहें आप जानते हो जब ये आदमी चला गया उसके बाद क्या हुआ परमेश्वर ने इसकी किंगशिप ले ली और खुदा ने उसकी जगह पर एक लड़के का अभिषेक किया हिज नेम वाज डेविड उसका नाम दाऊद था और सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं देखिए जब दाऊद का अभिषेक हुआ जब दाऊद ने गोलियत को मारा उसके बाद दाऊद के जीवन में एक उसके हिस्से में एक बात आ गई दाऊद के इतना यश फैल गया वो इतना फेमस गया जहां कहीं भी जाता था देखो लोग क्या बोलते थे शाहल ने कितने मारे हजार और दाऊद ने दस हजार ये बातें सुन सुन के सुन सुन के शाह इतना परेशान हो गया था और जानते हो उसने क्या किया उसका ससुर है दाऊद शाऊल की पहली बेटी जो थी ना मिशेल वो दाऊद की बीवी है और ये बंदा अपने दामाद को मारने के लिए मारने के लिए बार बार पीछे जाता है कई बार तो ऐसा हुआ ये खुद मरने वाला था उसके हाथों में तो भी दाऊद ने से नहीं मारा अब सुनिए जो मैं अंतिम बात बताना चाहता हूं वो ये है मुझे बताइए जब शाऊल मर गया और दाऊद को इस बात की खबर पहुंच गई मुझे बताइए उसके बाद दाऊद का एटीट्यूड क्या था जरा सोचिए अगर आपको पता चले कि आपको परेशान करने वाले मर गए आप क्या करेंगे विजयी हुआ विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ टांग तोड़ा सैतान हारा अरे ग्रीटिंग्स किसी किसी को तो आप पेड़े भेज देंगे ये ले खा क्या हुआ गया मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जब सीक्रेटली बड़े खुश होते हैं भले रिएक्ट नहीं करते हैं, पर आराम से अगर वो देखे ना कि आपको तंग करने वालों को बॉस चिल्लाता है और आप अंदर में गॉड इज अ रियल जज परमेश्वर सच्चा न्यायी है यू नो इट्स अवल हार्ट मैं ऐसे एक बुरा हृदय कहता हूं कि जब आपको पता चलता है कि आपके दुश्मन आपको ट्रोल करने वाले आपको नेगेटिव कमेंट्स करने वाले आपके नीचे गिर गए आपको खुशी होती है बाइबल ती है बैरी भूखा हो तो उसे घर ले आ उसे खाना खिला उसे पानी पिला ऐसा करके उसके ऊपर शर्म के अंगारों के ढेर लगा और हमें खुशी होती है आप जानते हो जब दाऊद को पता चला तो दाऊद ने क्या किया अजा का होमवर्क है घर पे जाके शाह की मृत्यु के बाद आप उस पूरे गीत को पढ़िए जो दाऊद ने कहा जानते हो दाऊद पहले पहले क्या कहता है बहनों के लिए कहता है बहनों को हे hey, यरूशलम की बेटियों जो तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाता था वो चला गया पहाड़ों से जानते क्या कहता है हे hey, पहाड़ों नीचे हो जाओ इज़राइल का शूरवीर चला गया तलवार पड़ी थी उसके सामने उसकी म्यान पड़ी थी उस मैन को देख के कहता है तुझे रोज ऑयल से घसने वाला चला गया और अपने आप को यू you नो know, यूनातन के लिए क्या बोलता है यूनातन के लिए वो कहता है तेरा प्यार हजार स्त्रियों से बढ़कर था मेरे लिए सुनिए विश्वास योग्यता इसमें देखी जाती है कि आपकी जिंदगी में जिनसे आपकी नहीं बनती जो आपके पीछे बोलते रहते हैं जो आपके खिलाफ हैं आप उनके लिए क्या सोचते हो अगर आपको उनके लिए कोई गर्ज नहीं है आप उनको हमेशा अपनी दुआओं में लिफ्ट करते हो तिमोथ्युस को लेकर जैसे पॉल खुदा के सामने जाता था और उसके सामने रोता था कि मेरे इस बेटे को ब्लेस कर मेरे जाने के बाद ये जनरेशन को देखेगा अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो अपने सताने वालों को अपने हृदय में लेके जाते हो कि प्रभु वही वचन जो तूने क्रूस पे कहा था ये नहीं जानता ये क्या करता मैं भी तुझसे यही कहता हूं लॉर्ड ब्लेस हिम ब्लेस हिम आज देखिए जिनको आप पसंद नहीं करते हो ना उनकी बात कोई निकाले पूरा भंडारा बाहर आता है पूरा भंडारा बाहर आता है पूरा जो भंडार बना के रखा था ये आइए बैठिए चाहे तो बना बैठ जल्दी नहीं भागना चाहिए ये बैठ बैठ चालू हो जाते हैं और जानते हो खुदा वहां से जब आपको देखता है वो आपको क्या कहता है मुझे लगता है वो जीसस को ऐसे बोलता है लिसन ही इज अ गुड बिलीवर बट नॉट फेथफुल बिलीवर दो हफ्ते पहले जब मुझे ये रेवल्यूशन मिला आपको पता है कैसे मिला मिस्टेक में से बाहर आती है यू you नो know? गलती की धक्का खाया चोट लगी तब समझ में आता है कई बार आपको देखा आपने आप में से बहुत लोग कितने लोग हैं यहां पर एक बार कहीं पर आप मोबाइल भूल गए थे और आप बहुत आगे निकल आए थे तब आपको मालूम पड़ा फोन रह गया है किधर कैसे भागे थे आप जिसे कुत्ता आपके पीछे भागा भागे थे आप मैं भागा था मेरा फोन एक दिन कहां पर रह गया था गाड़ी की डिक्की में रह गया था और मैं अपने ऑफिस में चला गया मुझे मालूम पड़ा मैं ऐसे भागा चप्पल भी नहीं पहनी मैंने मैं भागा नीचे मैंने उस दिन के बाद जानते हो क्या देखा जब मेरा फोन नहीं था मेरा फोन चोरी हो गया था मेरे पास एक सेल फोन था कुछ समय पहले मैं कुछ लेने के लिए गया था मेरे ऑफिस के पास में तो मैंने अपना फोन वहां रखा था मैं लेकर भी आया जब मैं वापस आया मेरा फोन नहीं था उस दिन के बाद जानते हो क्या करता हूं मैं, मैं जबी भी कहां भी जाता हूं, पहले ये देखता हूं चलो आगे समटाइम्स विस्टम मिस्टेक में से आती है मैं आपसे पूछना चाहता हूं ओके कम टू द पॉइंट कुछ समय पहले एक भाई आया मेरे पास हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे थे जिसको एक्चुअली हम दोनों ही डिसलाइक नहीं करते पर एक्चुअली हम उसकी तरफ खड़े नहीं रह सकते हमारा ही भाई है वो चर्च का नहीं है कहीं और का हमें कोई नफरत नहीं है लेकिन जब बातें निकली तो ट्रस्ट मी, मैंने उस भाई को लेकर उस भाई के साथ उसके पास की बातें निकाली नो ट्रस्ट नहीं है ये बंदा नहीं कर सकते हम इस पर ट्रस्ट इसने क्या किया था और जब वो आदमी लेफ्ट हुआ आई फील मेरे अंदर से पीस लेफ्ट हो चुका है तब मैंने खुदा से कहा प्रभु निश्चय जानता हूं कुछ तो मैंने बोला है जो तुझे पसंद नहीं आया जिसकी वजह से मेरी शांति ले ली आपको पता है तब मैंने ये बात समझी विश्वासी बनना और विश्वास योग्य रहने में क्या फर्क है आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं हो, हो ही नहीं सकता आपके जीवन में सबको आप पसंद करते हो या सब आपको पसंद करते हैं बोलिए जब उनकी बात निकलती है आप क्या बात करते हैं आपको पता है पूरी दुनिया प्रीच करती है अनिंग प्रेयर पे डिपेंड है आपको पता है कैथरन ये प्रीच नहीं करती थी कैथरन इसको लेकर एक और बात कहती थी कैथरन कहती थी स पे डिपेंड करती है विश्वास पर कि आप इतनी बार आपने उस बंदे का नाम सुना लेकिन आपने कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा आप शांत थे आप शांत थे परमेश्वर जब आपको देखता है ना यू नो परमेश्वर आप पे ट्रस्ट रखना स्टार्ट कर देता है यार ये वो बंदा है जो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोई अगर आपके सामने आए और आप दोनों उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो और वहां पर बात निकले तो क्या आप चुप रह सकते हैं हा? विश्वासी तो हम सब हैं क्या हम विश्वास योग्य हैं कितना बोलते हैं हम किसी किसी के लिए अरे फिर क्या हुआ उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो आपको लगता है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में शैतान गया आयुग के पास परमेश्वर के अलाव करने पर गया आपको क्या लगता है आपको आपको शेप क्या खाली प्रेयर और बाइबल स्टडी देगी अरे कई बार आपको शेप ये दुनिया देती है आपको क्या लगता है बस आपने प्रेयर की प्रभु मुझे पवित्र कर अपनी तरह बना ये काम स्टार्ट हो जाता है बोलिए कितने लोग हैं यहां पर ओ ब्रदर ये क्या बोलते हो आप यस ये सच है विश्वासी तो हम सब हैं विश्वास हो कि कितने कौन ये कह सकता है ब्रदर पूरा हृदय जान ले खुदावन मेरे अंदर किसी के लिए कोई गर्ज नहीं है भले बुरा भी किया आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं ये मेरी टेस्ट है मैं कई बार अपने चर्च में अपनी टेस्ट नहीं देता हूं लेकिन आज देता हूं ये मेरी टेस्ट है यही मेरी टेस्ट है आप मेरे गले को ब्लेड से काट के जाओगे ना तो भी मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा ये मेरा नेचर है मैं आपसे बिल्कुल नफरत नहीं करूंगा आप कभी मेरे ऑफिस में आइए हम साथ में चाय पियेंगे उसके बाद भी मैं बोलूंगा बैठो क्या हुआ आई एम सॉरी नहीं 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 मैं ताली नहीं चाहता इस पर थैंक यू आप मेरे सामने भी आओगे ना इवन आपको पता है कभी कभी मुझे मालूम पड़ता है इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला जब मेरे सामने आते ना एक वंस पर्सन में रिएक्ट नहीं करता कि मुझे मालूम पड़ा है आपकी जानते हो क्यों मैं ऐसा क्यों बना मैं बिल्कुल नहीं था ऐसा पर मैं ऐसा क्यों बना क्योंकि मैं एक बात जानता हूं जस्ट वन कि उसने मुझ पर कितनी दया की मुझे पता है मैं कितना क्षमा किया गया हूं मुझे पता है मैं कितना माफ किया गया हूं आप टेन परसेंट मेरी लाइफ जानते हैं आप क्या जानते हैं मेरे बारे में फाइव परसेंट भी नहीं जानते आप मुझे हम मिलते क्या है हफ्ते में दो दिन आप मेरे भीतरी जीवन को जानते हो मैं आपके लिए क्या सोचता हूं वो जानता है मेरे भाइयों मेरी बहनों में फिर से कहता हूं क्षमा पाना एक बहुत बड़ी बात है आप में से बहुतों को परमेश्वर के खून को आपने पानी तरह की तरह इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको उस दर्द का एहसास नहीं है जिसमें से खून बहा बस अब पाप करेंगे पास्टर को झूठ बोलेंगे फिर से पाप करेंगे फिर झूठ बोलेंगे फिर करेंगे आपके लिए जानते हो जीसस का ब्लड क्या है वाटर पानी है आपके लिए आप उसे पानी की तरह उपयोग करते हैं। मैं नहीं करता मैं उसे खून की तरह उपयोग करता आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं एंड आई क्लोज दिस मैसेज आर यू Are you a man and a woman of faith? Are you अ फेथफुल आप विश्वास से हो क्या है अगर नहीं है आज से अनुग्रह मांगो प्रभु मुझे बना मेरे अंदर जो भी प्रभु किनके लिए भी है ना उसे निकाल मैं अलाव करता हूं तुझे तू निकाल ही नहीं और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना प्रभु जिसके अंदर हर समय यह एहसास हो कि वो कितना माफ किया गया है पतरस कहता है जो अपने शुद्धिकरण को भूल गया है वह अंधा है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सब यहां देखिए ब्रदर ये लास्ट वर्ड है मैंने आज बहुत सारे स्क्रिप्चर्स कोट करवाए लास्ट है मुझे लगता है आज इसका भी सही समय है बोलने का आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन ये लास्ट वर्ड है मुझे पता है लेटर्स में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं पर देखो पत्रस क्या कहता है व्हाट अ वर्ड थैंक यू लॉर्ड क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है और वह अपने पूर्वकालीन पापों से दुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है अब इसको पहले पढ़ के देखिए पत्रस ने फलों के लिए बात की है भाईचारे पे प्रेम प्रेम पे पवित्रता पवित्रता पे भलाई भलाई पे स्नेह और सारे बातों को बोलने के बाद कहता है अगर ये बातें नहीं है तो उसका कारण ये है कि वो धुंधला दिखता है क्योंकि वह अपने पूर्वकालीन शुद्धिकरण को भूल चुका है पत्रस कहता है जिसने ये बात भूल चुका है जो आदमी ये बात भूल चुका है सुनिए पत्रस कहता है जो ये बात भूल चुका है कि खुदा ने उसे कैसे माफ किया है वो अंधा है क्योंकि वह अपने पूर्वकालीन शुद्धिकरण को भूल चुका है ओ ये वचन बड़े साफ है मेरे लिए आजकल कितने लोगों ने कभी ये वचन समझा था ओ मैं आपको लिख के देता हूं कभी नहीं समझा होगा आपने से। क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही वचन चाहिए ब्लेसिंग वर्ड्स शुगर कोटेड वर्ड्स अब आराम से पढ़िए भाई एक काम करो लगाओ ऊपर से अभी जहां पर इतना एक्सप्लेन किया आठ लगाओ देखो क्या लिखा है फलों के बारे में लिखा है पवित्र आत्मा के बोलता है क्यों नहीं है लोगों में फल जल्दी लगाइए क्योंकि ये बात है तुम्हें सात लगाइए फास्ट छह लगाइए चलिए जैसे जैसे पढ़ता जाऊं निकालते जाना वन सिक्स और समझ पर संयम पवित्र आत्मा का फल संयम पर धीरज पवित्र आत्मा का फल धीरज पर भक्ति पवित्र आत्मा का फल सात और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ आगे क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान हो और बढ़ती जाएं तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में कभी निकम्मे और निष्फल न होने देंगी आगे नाइन क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और वो अंधा कैसे हुआ है क्योंकि वो फर्गिवनेस को भूल चुका है अरे क्या क्या करते थे हम भाई लोग यहां देखो तो इधर खड़े होकर बता नहीं सकते इनको शर्म आ जाएगी ऐसे ऐसे काम किए हमने और आपने देखा उसकी मौत उसका हाथ जब तड़प रहा था जब उसके हाथ में से खून निकलता होगा और एक कितनी बड़ी बात है कि पैर के ऊपर पैर डाल के उसके अंदर जब डाल दिया गया एक बहन ने कहा रोमियो ने नहीं इसराइलियों ने नहीं मेरे गुनाहों ने उसकी ये हालत कर दी थी बस उठेंगे आप की माफी मांगेंगे फिर सारा दिन बुराइयां करेंगे उसकी उसके घर की बात उसको बताएंगे उस घर की बात उसको बताएंगे बातों को बड़ा चढ़ा के भी बताएंगे और आपको सोने से पहले फिर से कहेंगे हमें माफ कर ईशु का लहू ये आपके लिए ईशु का लहू है पानी है आपके लिए तो लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं लास्ट लाइन और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को फूल बैठा है थैंक यू जीसस। मेरा संदेश पूरा हो गया अब क्या करेंगे आप घर जाके अब बहुत टाइम विश्वास ही रहेगा सर अब आओ हाँ थोड़ा विश्वास होकर बने माउथ फ्रॉम टूडे मत बोधो किसी के लिए भी आज शायद आपको मेरी बातें थोड़ी कठिन लगती होंगी एक दिन आपका होगी ब्रदर इन शिक्षाओं ने मुझे बेहतर बना दिया है ट्रस्ट में